दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं। डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और किसान जब बीज खरीदने जाता है तो हमेशा उसे अपनी जेब की ओर देखना पड़ता है। साथ ही जब कीटनाशक की दवा भी महंगी हो गई है, जिसके चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी ने कहा कि गेहूं की फसल कम से कम 3,000 रुपए कुंटल बिकनी चाहिए, जिससे कि किसान अपनी भरपाई कर सके। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं सरकार, कागजों में तो किसानों के लिए बहुत सारी योजना चला रखी है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी जितनी दिखाई नहीं देती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 100 अपनी कागजी में किसानों के लिए काफी कुछ 100 के लिए लिखा है कि योगी सरकार 100 दिन में किसानों की मांग पूरा नहीं करती है तो उत्तर प्रदेश में किसान सभा 100 दिन के बाद आंदोलन के लिए उग्र होने का सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। आज जो बैठक की गई है, क्या उद्देश्य है उसके संबंध में? अखिल भारतीय किसान सभा की उत्तर प्रदेश राज्य काउंसिल की बैठक मथुरा में 10 और 11 अप्रैल को हुई है, जिसमें प्रदेश से लगभग 40 जिलों से अधिक जिलों के किसान नेता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और प्रदेश की किसानों की स्थिति पर चर्चा हुई। 13 महीने तक देश में किसानों का आंदोलन चला, जिसके चलते केंद्र सरकार को 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ा, उसकी भी समीक्षा हुई। अभी बहुत से बिंदु जिन पर सरकार से लिखित समझौता हुआ था, जिसमें सभी कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीद हो, साथ ही साथ जो 750 किसान शहीद हुए उनकी स्मृति में शहीद स्तंभ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था, उस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। इस आंदोलन के दौरान लगभग 60,000 से अधिक मुकदमे कायम हुए, उन मुकदमों को वापस लेने के लिए भी बात हुई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक उन मुकदमों की वापसी का कोई ऐलान नहीं किया। कुछ मुकदमे सिर्फ हरियाणा में वापस हुए हैं, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में वह मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। उसकी भी वापसी के लिए हम लोगों ने सारे देश के अंदर आंदोलन चलाने का और सरकार से वादा निभाने की बात कही है। सरकार ने कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के सवाल के ऊपर, सभी कृषि उत्पाद के ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसके अंदर कृषि वैज्ञानिक होंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे और कृषि अर्थशास्त्री होंगे। उसका ऐलान तो हुआ है, लेकिन अभी तक वो कमेटी बनी नहीं है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने यहाँ आज चर्चा की है और चर्चा करके तय किया है कि इन सवालों पर केंद्र सरकार के से हम लोग मांग करेंगे कि किसानों के साथ जो समझौता हुआ है, उस समझौते के बुनियाद पर आगे सरकार काम करे। हमने देखने में ये आ रहा है कि ये इस वक्त गेहूं का सीज़न है और सरसों का कटाई का समय है, लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और सरसों के दाम तय हुए हैं, उस पर खरीदारी होगी कि नहीं होगी, इस पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। सिर्फ सरकार का क्या घोषणा है कि खरीदा जाएगा। हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक दाना गेहूँ का, एक एक दाना सरसों का ये सरकार खरीदे, क्योंकि सरकार अगर नहीं खरीदेगी तो किसान बहुत संकट में है। डीजल के दाम बढ़ गए हैं, कृषि में प्रयुक्त होने वाले सारे सामान उनके दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बीज के दाम बढ़ गए, कीटनाशकों के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम अब 3,000 रुपये क्विंटल गेहूँ के दाम होने चाहिए, 8,000 रुपये क्विंटल से लेकर 10,000 रुपये क्विंटल सरसों के दाम होने चाहिए। 80 रुपये किलो बिकने वाला सरसों का तेल आज 230 रुपये किलो बिक रहा, तो किसानों को सरसों के दाम क्यों नहीं मिलने चाहिए? ये वो प्रश्न है जिन पर हम लोगों ने चर्चा की है और ये भी तय किया है कि ये वर्ष हमारे देश के अंदर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, अमृतोत्सव मना रहे हैं। सरकार की बहुत सी योजनाएँ हैं, लेकिन वो योजनाएँ हवाई बहुत हैं। इसलिए किसान सभा ने तय किया है, उत्तर प्रदेश किसान सभा ने, कि 15 अगस्त 2022 से लेकर
23 मार्च 2023 तक सारे देश के अंदर हम लोग अमृतोत्सव मनाएंगे, शहीद किसानों की याद में कार्यक्रम करेंगे, देश की आज़ादी के लिए जो तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला से लेकर के तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर चौरी चौरा के किसानों ने जो बलिदान दिया, वहां से लेकर के कानपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, मैनपुरी षड्यंत्र केस, जो तमाम अंग्रेज़ों ने हम लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ जो षड्यंत्र केस करके हजारों की संख्या में उन्हें जेल में डाला गया, उन सब के नाम पर हम लोग एक समारोह करेंगे गांव स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक और राज्य स्तर तक। ये कार्यक्रम है ताकि जन जागरण किया जा सके। और सरकार को हम ये चेतावनी भी देते हैं कि 100 दिनों का हम समय दे रहे हैं योगी जी की सरकार को कि जो कुछ भी उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा है भारतीय जनता पार्टी के, उस संकल्प पत्र को 100 दिन में पूरा कर दें, और अगर पूरा नहीं करेंगे तो 100 दिनों के बाद लड़ाई आर और पार की होगी और हम घबराएंगे नहीं। सरकार का दमन और शोषण और धारा 132 के तहत जो गांव में उत्पीड़न शुरू किया जा रहा है उसे सरकार तत्काल रोके। इसमें करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके मकान गिराए जा रहे हैं, उनकी दुकानें गिराई जा रही हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, इसलिए उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए तमाम किसान संगठनों की बैठक आदित्यनाथ जी अपनी सरकार की बुलाएं, एक तरफा 132 की कार्रवाई करके गांव में बुलडोज़र चलाने का काम न करें। इससे गांव के अंदर एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा होगी और आपकी सरकार के लिए भी कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। सरकार द्वारा अगर मांगे आपकी जो है नहीं मानी जाती है, किस प्रकार का आंदोलन आपके द्वारा किया जाएगा? आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान नेतागण यहाँ उपस्थित होकर राज्य काउंसिल की मीटिंग में यह फैसला ले रहे हैं कि हम लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में 11 अप्रैल 1936 में किसान सभा बनी और किसान सभा ने जमींदारों की जमींदारी खात्मा के लिए आंदोलन किया, जमींदारी विनाश के खिलाफ लड़ाई लड़ी और किसानों को ज़मीन दिलाई। आज़ादी की लड़ाई में भी हम लोग अग्रणी भूमिका में रहे। आज भी 75 वर्ष के दौर में अखिल भारतीय किसान सभा ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और लड़ाई जारी है। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, RTI, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भाई साहब, बाइट लेने का मतलब क्या हुआ? पीछे आप कुछ कर रहे हैं, हम लोग बेमतलब आपसे कर रहे हैं। और आज के समय में 13 महीने का किसान आंदोलन दिल्ली में जो हुआ वो सिर्फ किसान सभा की देन है। हम लोगों ने विगत 30 वर्ष से पूरे देश के राजनीतिक किसान नेताओं को, किसान संगठनों को इकट्ठा किया और राष्ट्रीय किसान पंचायत आयोजित की, उसी की देन है कि आज दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ और ये आंदोलन अभी आगे चलेगा। काले 3 कानून से ही खेती नहीं बचेगी। जब तक किसानों के कर्जे माफ नहीं होंगे, किसानों की फसल की लाभकारी कीमत नहीं मिलेगी, बड़े बूढ़े किसानों को भी पेंशन नहीं मिलेगी, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारा नारा है खेती बचाओ, किसान बचाओ, गांव बचाओ, देश बचाओ। ये निरंतर लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग अभी 100 दिन बाद फिर भावी कार्यक्रम तय करेंगे, धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे, गांव से लेकर देश तक की लड़ाई किसान सभा की जारी रहेगी। ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। महीना किसानों के लिए पिक पॉइंट है, जो सरकार ने कहा कि MSP की गारंटी होगी। MSP की बड़ी चर्चा थी, जो लोग गेहूँ अपना बनिया को देते थे, धान बनिया को देते थे, वो अभी समझ गए क्यों संघर्ष हो रहा है। हमारा गेहूँ 2025 में लिया जाएगा। आपके केंद्रों पर पता लगा लीजिए, झंडा गाड़ दीजिए, कहिए जिसका गेहूँ प्रभारी नहीं लेता है हमसे बताइए नहीं लेता है, बात कीजिए, बात से नहीं सुनता है। 150 लोगों को इकट्ठा करके वही धरने पर बैठ जाइए, खलबली मच जाएगी, गेहूँ तोला जाएगा, 10-20 लोगों का गेहूँ तोला जाएगा, लोग समझेंगे कि किसान सभा के वजह से हमको फायदा हुआ है।
कृषि कानून वापस हो गया, गाजीपुर जनपद में सिर्फ फक्र हो गया, सिर्फ श्रेय गया, किसान सभा हो गया। इतना मीटिंग हम लोग कर दिए थे, लोग जानते थे यही किसान सभा के लोग वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, उनको क्या पता है कि संयुक्त मोर्चा क्या है, समझते थे कि अतुल अंजान की किसान सभा वहाँ संघर्ष कर रही है और कानून वापस हो गया, इतनी मीटिंग